मैं मदन दिलावर, विधायक राम मंडी। मित्रों, भाई और बहनों और राम मंडी विधानसभा क्षेत्र के सभी महानुभाव, आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, सहमति से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी के निर्देश है और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी का आदेश है कि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र की पदयात्रा करना चाहिए। उसी संदर्भ में यह तय किया है कि क्यों नहीं राजमंडी विधानसभा क्षेत्र की सब गांव की पदयात्रा करूं और जो समस्याएं हैं, जो ऐसी जिनका निपटान मौके पर हो सकता है, उन सभी समस्याओं का निपटान मौके पर करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि स्वच्छता अभियान, सभी गाँव की का सफाई करना, पेड़ लगाना, ऐसे लोग हैं जो सफाई काम में लगे हुए हैं, ऐसे लोग का सम्मान करना, बिजली पानी की समस्याओं को मौके पर निपटाना, जैसे तार ढीले हैं, टूटे हुए हैं, नीचे झूल रहे हैं, खंभा टूटा हुआ है, किसी का घर का घरेलू बिजली का डिमांड नोट निकल गया है, उसका कनेक्शन होना चाहिए, ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसका मीटर जल गया है, उनको बदलना चाहिए, पानी में पानी की टंकी की सफाई होना चाहिए और जो सार्वजनिक के लिए वो ठीक होना चाहिए, उससे पानी आना चाहिए, पाइपलाइन ठीक होना चाहिए। ऐसी समस्याओं का समाधान अपन सब लोग मिलकर के करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि पालनहार योजना है, लोगों की वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको मकान नहीं मिला है, ऐसी सब लोगों को सूचीबद्ध करके मौके पर ही ऑनलाइन करा के और उनकी स्वीकृति का प्रयास होगा। मित्रों, हम चाहते हैं, साथ में ये भी चाहते हैं कि सभी किसानों के नामांतरण भी मौके पर हो जाएं और मैंने सभी अधिकारियों से, कर्मचारियों से निवेदन किया है और सबने मेरे निवेदन को स्वीकार किया है और सबने मुझे भरोसा दिलाया है कि हम सब लोग मिलकर के इन समस्याओं का समाधान और निराकरण करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इसी संदर्भ में मैंने राममंडी नगर के सभी व्यापारी, उद्योगपति, समाजसेवी, सामाजिक संस्थाओं में काम करने वाले लोग, धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी, विद्यार्थी, महिलाएं, पुरुष, युवा, सब लोगों से बातचीत की है और सब ने मुझे आश्वस्त किया है कि जो स्वच्छता अभियान है, जो पदयात्रा के तहत है, इसमें हम सब लोग सहयोग करेंगे और मेरा मन की इच्छा है कि ये राजमंडी विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त हो जाए और साफ सुथरा दिखाई दे। मैं चाहता हूँ आप सब लोग का आशीर्वाद रहा और सहयोग रहा तो हिंदुस्तान में राजमंडी विधानसभा क्षेत्र सबसे स्वच्छ होगा और यदि ऐसा हो गया है तो मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से आप सब लोगों को सम्मानित कराने का प्रयास करूँगा, जो इस काम में आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। मित्रों, प्लास्टिक के कितने नुकसान है आप सब जानते हैं। प्लास्टिक जो हमारी नालियों में जाती है, पानी अवरुद्ध हो जाता है, गंदगी रोड पे फैल जाती है, मच्छर काटते हैं, बीमारियां हो जाती है, लोग बीमार होते हैं। यही नहीं है, प्लास्टिक को रोड पे फेंक देते हैं, कई लोग उसमें सब्जी रख करके फेंक देते हैं तो हमारी गोमाता जी खा जाती है और इस लालच में खा जाती है कि इसमें खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं तो पेट में चली जाती है, वो पचती नहीं है। 1 किलो 2 किलो 10 किलो 20 किलो 25 30 40 किलो तक पॉलीथीन के पेट में जमा हो जाती है और आखिरकार में वो गौ माता जी मर जाती है। हम सब लोग का दायित्व तो बनता है कि गौ माता जी बचना चाहिए। वो हमको क्या नहीं देती है, वो सब कुछ देती है। वो हमको अच्छा दूध देती है, घी देती है, दही देती है, छाछ देती है और तो और 24 घंटा ऑक्सीजन देती है जिससे हम लोग जिंदा रहते हैं। इसलिए गौ माता का बचना बहुत ही जरूरी है। उसके पैसा मात्र गोबर मात्र से ही हजारों बीमारियां ठीक हो जाती है। मित्रों, इसलिए जरूरी हो गया है कि पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए। पॉलीथीन को लोग हम कचरा समझ के जला देते हैं तो उसमें जहरीली गैसें निकलती है जो वायुमंडल में फैलती है
और वो हमारे हम सांस लेते हैं उसके माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे शरीर के अंदर जाती है, हमको बीमार करती है। मेरा ऐसा मानना है देश में लाखों लोग इसके कारण से मरते हैं, तो फिर हमको चाहिए कि हमारा क्षेत्र पॉलीथीन मुक्त होना चाहिए। हम सबको संकल्प लेना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा ना कि राम मंडी क्षेत्र के सभी व्यापारियों, उद्योगपतियों, समाज सेवियों, धार्मिक संगठन के लोगों को से मैंने निवेदन किया है, सबने मुझे आश्वस्त किया है कि दिलावर जी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 अक्टूबर को राम मंडी का व्यक्ति चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, सबने आश्वस्त किया है कि हम सब लोग इस स्वच्छता अभियान में और इस पदयात्रा में सहयोग करेंगे। SDM साहब ने भी कहा है, मैं भी झाड़ू उठाऊंगा। मैंने कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, उन्होंने कहा है कि समय मिलेगा जरूर आऊंगा। मैंने DYSP साहब से भी कहा है, उनका दिलावर जी चिंता करने की जरूरत नहीं, राम मंडी स्वच्छ दिखाई दे ये हम सबका दायित्व बनता है, हम आपके साथ झाड़ू हाथ में लेकर के पूरा साफ सफाई करेंगे। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, मैं राम मंडी नगर के निवासी से निवेदन कर रहा हूँ कि जो मैं पदयात्रा को 5 दिन शहर में रहने वाला हूँ, 5-5 वार्ड चुन करके 1 दिन में सबकी सफाई करेंगे। उसमें झाड़ू की जरूरत पड़ेगी, हमारे लिए मास्क की जरूरत पड़ेगी, गेती, फावड़ा, तगारी, जेसीबी मशीन होती है, ट्रैक्टर्स, डंपर, जो भी जरूरत पड़ेगी सबके नगर पालिका से निवेदन कर रहे हैं हम लोग। नगर पालिका ने आश्वस्त किया हम सब लोगों को कि यदि जरूरत पड़ेगी जो जो साधनों की हम सब उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार से मैंने ग्राम सेवकों से निवेदन किया है, मैंने BDO साहब से निवेदन किया है, मैंने प्रधान जी से निवेदन किया है, सबने मेरे को आश्वस्त किया है कि ग्राम पंचायतों में जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता होगी और जहाँ इसके लिए जो धन की भी जरूरत होगी तो हमारे उपलब्ध धन में से हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं राम मंडी नगर के लोगों से और राम मंडी तहसील के सब लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो पशुपालक हो, चाहे वो कृषि मंडी में व्यापारी हो, चाहे वो खानों के मालिक हो, चाहे खानों में काम करने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी बाबू हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, सब लोग करके टीचर सब लोग मिलकर के हम 2 तारीख से 7 तारीख तक राम मंडी नगर का को बहुत स्वच्छ बना देंगे ताकि बीमारियों से लगभग मुक्त हो जाए। और 7 तारीख के बाद दशहरे का 1 दिन गैप दे करके 8 तारीख से फिर यात्रा गांव में चलेगी, और जिसका कार्यक्रम मैं जारी कर रहा हूँ, यात्रा जाएगी और जाकर के एक एक गाँव में जाएगी, एक एक गाँव में जाकर के जो मैंने कहा है जो छोटी छोटी समस्या है उनका समाधान मौके पर करेंगे। हमने अधिकारियों कर्मचारियों को कह दिया है कि आप इनको लिस्टेड कर लीजिए, पहचान कर लीजिए किसको काम की जरूरत है। मैं आप कहोगे तो पहले ही मैं ये मित्र भेज दूंगा, वहाँ जाकर के ऑनलाइन करा दीजिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। और हम सब लोगों के प्रयासों से यदि जनता को लाभ मिलता है तो इसका पुण्य हमको मिलने वाला है। मैं चाहता हूँ सब कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको इससे पुण्य मिले, हम सब लोगों को पुण्य कमाना चाहिए। मित्रों, ये महायज्ञ है, इस यज्ञ में आहुति देना चाहिए, हम सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग गरीब लोगों के कितना काम आ सकते हैं। हम सब लोग इस महायज्ञ में आहुति देने में सहभागी बने, ऐसा हमारा सब लोगों से निवेदन है। और मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ, चाहे राम मंडी क्षेत्र के चाहे वो व्यापारी हों, चाहे खान के मालिक हों, चाहे खान में काम करने वाले कर्मचारी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे वो किराना के व्यापारी हों, चाहे वो कपड़े के व्यापारी हों, चाहे वो मिठाई बेचने वाले हों, चाहे नमकीन बेचने वाले हों, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हों, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हम सब लोग 2 तारीख से सुबह से मिलकर के हम राम मंडी शहर को पहले स्वच्छ बनाएंगे और फिर मिलकर के पूरी तहसील को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। मेरी आपसे ये प्रार्थना है और मैं आप सब लोगों को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, आप सब इस महायज्ञ में आहुति दें, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।